हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये ज्वेलरी बॉक्स बनाएंगे और उसके लिए देखिए, तीन मैंने यहाँ पे 10 इंच की रिंग ली हैं। एक हमने ढक्कन में लगाई है और दो हमने यहाँ पे यूज़ की हैं, एक नीचे और एक यहाँ ऊपर। और माइक्रम इसमें दो लच्छी ये क्रीम कलर लगा है और कुछ ये रेड में लगा है और कुछ मिरर है। और 60 हमें यहाँ टोटल मोती, हमें यहाँ 60 मोती चाहिए 60, और एक हमें यहाँ बड़ा वाला मोती चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करें मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फोर्टीन कोड अटैच किए हैं मैंने यहाँ पे, देखिए सिंपल नॉट लगाने हैं हमें यहाँ पे। देखिए जो ये यहाँ पे फर्स्ट वाला कोड है, इसके ऊपर हम ऐसे रिंग रखेंगे। देखिए यहाँ से इसके नीचे से निकाल लेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे अपनी ये रिंग रखेंगे और इस धागे को इसके नीचे से निकाल लेंगे ऐसे, यहाँ ऐसे थोड़ा सा टाइट करके, और एक बार और निकाल लेंगे इसको ऐसे, और यहाँ पे हम फिर नॉट लगा देंगे।
देखिए फिर से इस वाले कोड को हम यहाँ से इसके नीचे से निकाल लेंगे टू टाइम। ऐसे निकाल लेंगे, फिर से नोट लगाएंगे यहाँ पे। ऐसे ही हम इधर भी करेंगे। ऐसे रिंग को लेंगे और इसके नीचे से यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए फिर से हमने नीचे की साइड से इसको ले लिया है और अब इस कोड को इसके नीचे से निकालना है यहाँ पे और फिर ऊपर से अंदर की साइड में निकालना है। यहाँ पे देखिए 1 2 और इसके बीच के कॉर्ड में हम एक मोती डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे मोती डाल लेना है और एक इधर को देखिए इधर भी ऐसे ही सेम नोट लगा लेना है। एक नोट हमें यहाँ पे लगा लेना है अभी यहाँ बीच में। देखिए अब हमें यहाँ देखिए इन दो कोड में हमें बीट्स डालना है। देखिए इसमें से एक कोड लेना है और इधर के तीन ऐसे नोट लगा लेना है यहाँ पे। देखिए अब इधर से अब एक नोट हमें यहाँ बीट्स हमें इन दो कॉर्ड में डालना है यहाँ पे। देखिए बीच के कॉर्ड में और सेम वही नोट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। इधर भी
देखिए मिड लेवल में आ गया है। और अब हमें यह एक बीट हमें यहाँ पे डालना है। बीच में एक नॉट लगा लेना है यहाँ पे, देखिए देखिए इधर से ये वाला नॉट नीचे की साइड लेना है और इसके नीचे से निकाल लेना है, फिर ऊपर से नीचे की साइड निकाल लेना है, फिर एक नॉट लगाना है। हर बारी में हमें ये यहाँ से नोट ऐसे ही निकाल लेना है ये, और इसको हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। पहले देखिए मैंने यहाँ तक ऐसे इसको बना लिया है, और देखिए आप फिर से हम यहाँ दो तीन नोट के हमने तीन लाइनें यहाँ पे कंप्लीट करके, और यहाँ पे हम बीट्स डालेंगे, यहाँ पे रेड कलर का बीट्स डाल रही हूँ मैं। नोट लगा लेना है, सेम इधर भी। एक नोट इसके नीचे, देखिए अब हमें एक नोट यहाँ इसके बीच में डालना है।
एक बीट्स हम यहाँ पर डालेंगे। हमें पैटर्न कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इस रिंग को ऐसे, ये देखिए, इसको अब हमें यहीं पे अटका लेते हैं। हमें बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। इधर से भी बाद में देखेंगे इसमें क्या करना है। अब हमें इसको ऐसे उठा लेना है और इसी तरह हमें आगे का डिजाइन ऐसे करके, ऐसे रिंग को तब आगे बढ़ाना है। हमें ऐसे नहीं करेंगे, आगे से ऐसे खुलता जाता है। और अब हम ऐसे करके इस डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये मैंने पूरा इसको तैयार कर लिया है, बन गया है हमारा। देखिए, अब हमें, देखिए, ये वाले सारे कोड ऐसे आ गए हैं मेरे। अब हमें जो ये वाले सारे कोड हैं, हमें इस ऊपर की साइड से हमें नीचे की साइड निकालने हैं। ऐसे किसी भी पिन की सहायता से इसको निकाल लें। ऐसे हमें सारे कोड नीचे की साइड निकालने हैं। देखिए, इनके यहाँ से एक एक कोड छोड़ते जाएंगे और सारे धागे हम नीचे निकालेंगे। देखिए, मैंने ये सारे अंदर की साइड डाल दिए हैं और ये ऐसे आ गए हैं। अब इस पे हम एक एक गांठ लगाएंगे मजबूती के लिए। ज़्यादा नहीं लगानी है, एक ही गांठ लगाएंगे हम। दो दो कॉर्ड लेके एक एक गांठ लगा लेंगे हम। देखिए, मैंने ये एक ही गांठ लगा के यहाँ पे और बाकी का कॉर्ड कट करके चिपका लिए हैं और ये ऐसी रैप हो गया है। अब हम इसको नीचे का बेस बनाएंगे। देखिए, मैंने ये यहाँ पे ऐसे डाल के इसको यहाँ पे चिपका दिया है। और देखिए, मैंने ये वाला कोड लिया है, इसके ठीक सामने हम इसको यहाँ से Thank you.
इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, ये रिंग हमारी ऐसे, नहीं तो ये रिंग हमारी ऐसे मुड़ जाती है, इसको ज़्यादा नहीं खींचना है। ऐसे ही हम ऐसे अंदर की साइड से डालते हुए बाहर की साइड निकाल लेंगे और सारे ऐसे ही हम पूरा हम ऐसे ही इसको पहले कर लेते हैं। देखिए ये कोड अटैच कर लिया है हमने। अब हम चार कोड छोड़ते जाएंगे, चार कोड उठाएंगे ऐसे, फिर दो ये छोड़ देंगे, चार ये छोड़ देंगे वैसे, चेक बनाएंगे हम यहाँ पे। फिर से हम ऐसे ही करेंगे जहाँ से हम लेके आए थे। देखिए फोर टाइम मैंने यहाँ पे एक जैसे निकाल लिए हैं। अब हम जो हमने दबाए थे वो हम उठाएंगे फोर कॉर्ड, देखिए फोर फोर कॉर्ड दबा के ऐसे मैंने चेक बना रही हूँ मैं, और हमें ऐसे ही सारे कॉर्ड करने हैं।